हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो अधिगम की थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट जो थ्योरी है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे प्रेक्षणात्मक अधिगम भी इसका अन्य नाम है, निरीक्षणात्मक या अवलोकनात्मक अधिगम भी इसे कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और इसके अलावा इसका एक और अन्य नाम है प्रतिरूपण का सिद्धांत, क्योंकि बांडुरा ने यहाँ पर जो है मॉडल का प्रयोग किया, जो इन्होंने प्रयोग किया इस सिद्धांत में, तो इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो बांडुरा जो कि कनाडा के थे, ये कहते थे कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप जो है अच्छा तरीका है। यदि बच्चे में कोई भी गलत आदत है तो उसके सामने अच्छा मॉडल यदि हम प्रस्तुत करेंगे तो वो बच्चा जो है अच्छा सीखेगा, जैसा उसको दिखाएंगे वैसा ही वो ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो बंडरा कहते हैं कि बच्चा समाज में जो देखता है वही करने की कोशिश करता है और वही कोशिश करता है। जैसे कि कोई भी, जैसे सलमान खान जो है उनको पसंद है किसी बच्चे को, तो हूबहू उन्हीं की कॉपी करने की कोशिश करेगा। जब भी सलमान खान का कोई डांस आएगा तो वैसा ही डांस वो करने की कोशिश करेगा, खुद को सलमान खान ही समझेगा। ठीक है, या फिर किसी का रोल मॉडल जो है एक अध्यापक भी हो सकता है, तो अध्यापक की तरह ही वह बोलना और उसी तरीके से जो है उसकी जो पर्सनैलिटी है, जिस तरीके से उसका ड्रेस कोड है, उस तरीके से प्रयोग करना, ये सब जो है वह देखकर ही करता है। इसका मतलब क्या है कि समाज में जो कुछ सामने देख रहा है बच्चा उसी की तरीके से फॉलो करता है। तो इसीलिए हमें अच्छे मॉडल जो है वो बच्चों के सामने पेश करने चाहिए, जैसा माहौल होता है एक बच्चे के लिए वैसा ही वो करता है। बांडोरा ने क्या किया, अपने प्रयोग में एक 5 मिनट का जो है वीडियो दिखाया, जो कि सामाजिक व्यवहार पर आधारित था, और उसमें बताया कि जैसा वीडियो जो है देखा गया वैसा ही व्यवहार किया गया, अर्थात जैसा देखते हैं वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो ये जो प्रयोग है वो बोबो डॉल है। ठीक है, प्रयोग का नाम क्या है, बोबो डॉल। इस बोबो डॉल पर ही प्रयोग किया बांडोरा ने, जिस तरीके से सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था उस पर प्रयोग जो है किसने किया था, गैस्टाल्टवादियों ने किया था, कोहलर ने किया था। तो यहाँ पर 5 मिनट का जो वीडियो दिखाया गया, जिसमें एक में वीडियो में क्या दिखाई दे रहा था कि एक जो व्यक्ति है वह डॉल को क्या कर रहा है, मार रहा है। दूसरे वीडियो में बच्चों को ये दिखाया गया कि एक जो व्यक्ति है या बालक भी है वो बच्चे को क्या कर रहा है, खिला रहा है, उसको जो है कोई भी गेम दे रहा है, फूल दे रहा है, या बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है। और तीसरे वीडियो में कोई भी यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई। तो सामने इन बच्चों को जो है बिठा दिया गया और इनको ये वीडियो दिखाया गया। तो पहले वीडियो में, उसके बाद कुछ समय बाद जो है इन बच्चों को जो है जब देखा गया एक कमरे में, तो एक दूसरे से जो है आक्रामक व्यवहार जो है ये कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने वो वीडियो देखा और उसी को वो प्रयोग करके देख रहे थे। और दूसरा जो वीडियो इन्होंने देखा, जहाँ पर गुड्डे के साथ जो है वो उसको खिलाया जा रहा था, जो डॉल थी उसको, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवहार जो है उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, तो बच्चों ने गुड़िया को खिलाते देखा, तो बच्चों ने कैसा सीखा व्यवहार, अच्छा व्यवहार सीखा। और तीसरे में बच्चों ने देखा कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो यहाँ पर बच्चों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं सीखी। ठीक है, तो इस प्रयोग से बांडोरा यही कहते हैं कि समाज में जो भी कुछ बच्चों के सामने पेश की जाए, बच्चे जो हैं उसी के अकॉर्डिंग सीख जाते हैं, वैसा ही वो नकल कर लेते हैं। सामाजिक अधिगम के उदाहरण कैसे हो सकते हैं, देखिए, बच्चे अधिकांश जो हैं व्यवहार प्रौढ़ों का प्रेक्षण तथा उनकी नकल करके ही सीखते हैं। हम घर में भी देखते हैं कि कई जो बच्चे होते हैं वो अपने दादाजी या दादी जी की क्या करते हैं, नकल करते हैं, आंखों में जो है चश्मा लगा लेते हैं, डंडा ले लेते हैं और उनकी तरह एक्टिंग करके दिखाते हैं। ठीक है, कपड़े पहनना, बालों को संवारने की शैली और समाज में कैसे रहा जाए, यह सब दूसरों को देखकर ही सीखा जाता है। ठीक है, तो जो भाई बहन होते हैं उनको देखकर भी सीखते हैं। एक बहन जो है जिस तरीके से अपने बालों को जो है संवारती है, उसी तरीके से छोटी बहन जो है उसको देखकर सीखती है कि दीदी जो है वो इस तरीके से जो है इस टाइप के कपड़े पहनती हैं, तो क्यों ना मैं भी इसी तरीके के पहनूं, इस तरीके के जो है दीदी बालों को संवारती हैं, तो क्यों ना मैं भी इसी तरीके के संवारूं। ठीक है, बच्चों में व्यक्तित्व का विकास भी प्रेक्षणात्मक अधिगम के द्वारा होता है, अवलोकनात्मक ऑब्जर्वेशन लर्निंग के द्वारा ही होता है, जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे इस प्रयोग में? मॉडल, मॉडल क्या है इसमें? बॉबो डॉल है। मॉडलिंग क्या है? अनुकरण द्वारा सीखना है। अवलोकन या निरीक्षण का अर्थ क्या है कि ध्यान से देखना, जिस तरीके से बच्चों ने जो वीडियो है वह क्या की, उसका अवलोकन किया, उसका निरीक्षण किया, उसको ध्यान से देखा, ठीक है। और उसके बाद जो है उस अनुकरण करके उसको सीख गए और फिर वैसा ही व्यवहार जो है उन्होंने दिखाया। प्रेक्षणात्मक या सामाजिक अधिगम के चार स्टेप हैं, चार चरण हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है अवधान या अटेंशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही याद रखना है। और अर्थ है इसका ध्यान देना, एकाग्रता, ठहराव या रुकावट। स्मृति यानी रिटेंशन, धारण करना। अनुकरण व पुनः प्रस्तुतिकरण यानी प्रोडक्शन, करके देखना। और फोर्थ है चरण अभिप्रेरणा व पुनर्बलन, मोटिवेशन। पुनर्बलन मिलने पर ही हौसला मिला। तो यहां पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि ऐश्वर्या राय का डांस जो है वो एक लड़की द्वारा सीखना। अब एक लड़की जो है उसका रोल मॉडल कौन है? ऐश्वर्या राय है, ठीक है। उसको जो है ऐश्वर्या राय के गाने पर कोई डांस सीखना है। सबसे पहले उसने क्या किया, डांस को बहुत अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। अटेंशन होकर उसने ध्यान से एकाग्र होकर जो है उस डांस को देखा। उसके बाद उसने अपनी स्मृति में उसे धारण कर लिया कि इस तरीके से ये स्टेप होते हैं। फिर उसने क्या किया, उनको करके देखा, ठीक है। प्रस्तुत किया उसने अपने आप को और उसके तरीके से ही करके देखा, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, जब उसने करके देखा तो लगा कि हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह ही जो है मैं कर रही हूँ डांस। तो अभिप्रेरणा और पुनर्वलन जो है जैसे ही मिला, मोटिवेशन जैसे ही मिला, हौसला बड़ा और वह डांस करना बहुत अच्छे तरीके से सीख गई। तो यहाँ पर जो चार स्टेप हैं ये जो है आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनको जो है उलट पलट कर भी पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है इनमें से एक जो है आपका हटा दिया जाए और पूछा जाए कि अवधान, स्मृति और अभिप्रेरणा, ठीक है, और एक और कोई और दे दिया जाए। जब पूछा जाए इनमें से चारों में से कौन सा सामाजिक अधिगम का चरण नहीं है, ठीक है, तो आपको ये बताना होगा। और जो सिक्वेंस है वो आपका पूछा जा सकता है, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही याद रखें। नोट देखिए, सामाजिक और संज्ञानात्मक का पुल सामाजिक अधिगम है, ठीक है, ये थोड़ा नोट में ध्यान रखें। नेक्स्ट थ्योरी है एडविन रे गुथरी का सानिध्य या उद्दीपन अनुक्रिया या समीपस्थ अनुबंध सिद्धांत, या जिसे हम प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसी पर आधारित है ये सिद्धांत भी। वहां पर भी उद्दीपन अनुक्रिया की बात की गई थी, यहां पर भी। व्यवहारवादी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है एडविन रे गुथरी। थॉर्नडाइक भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ही रहे। गुथरी के सिद्धांत में थॉर्नडाइक का प्रयत्न व भूल का जो सिद्धांत है उसका सुंदर विश्लेषण देखने को मिलता है। यहां पर इनका जो प्रयोग है वह भी बिल्ली पर है, ठीक है। कई जो आप लोग को बुकों में देखने को मिलेगा चूहे पर प्रयोग है, ठीक है, तो वहां पर जो है गलत है। बिल्ली पर प्रयोग जो है वो एडविन रे गुथरी का है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, तो उसी पर आधारित सिद्धांत लिया। यहां पर देखिए एडविन रे गुथरी ने जेपी हार्टन के साथ प्रयोग किया, ठीक है, याद रखना। पजल बॉक्स जैसा थॉर्नडाइक ने काम में लिया था ऐसा ही गुथरी ने भी लिया। एडविन रे गुथरी का मानना था कि उद्दीपक अनुक्रिया एक साथ होने से बिल्ली सीख गई। तो यहां तक की लाइन जो है वो बिल्कुल प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के जैसी है। जब भी वह उद्दीपक प्रस्तुत होगा वही अनुक्रिया होगी। तो बिल्ली ने 800 बार अपने दाएं पंजे से लीवर पर दबाव डाला, यानी इन्होंने 800 बार प्रयोग किया बिल्ली पर, और गेट खुलते ही भोजन प्राप्त किया। तो यहां पर देखिए बिल्ली है, बिल्कुल थॉर्नडाइक ने जिस तरीके का पजल बॉक्स रखा था, लीवर था इस पर, जैसे ये जो है उछल कूद करती और जैसे ही अचानक से इसका जो है पैर यहाँ लीवर पर पड़ गया तो ये गेट खुल गया, और गेट खुलने के बाद जो है इसने भोजन प्राप्त कर लिया। अर्थात एक जैसा प्रयास हर बार एक ही तरीका को अपनाने से जो है वो बिल्ली सीख गई, लेकिन पहले प्रयास में ही सीखा जा सकता था, ऐसा गुथरी कहते हैं। जब उन्होंने 800 बार जब प्रयोग किया तो उन्होंने यही पाया कि पहले प्रयास में भी ये सीखा जा सकता था, बार बार सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यदि तरीका सेम हो। गुथरी के अनुसार अधिगम के संपन्न होने के लिए उद्दीपक तथा अनुक्रिया, इन दोनों की संयुक्तता जो है वह उत्तरदायी होती है।
यदि कोई विद्यार्थी है उसको एक विशेष प्रकार का यदि हम कार्य जो है पूरा करने के लिए कहें और फिर जब वह इसे कर रहा हो तो उसको वो उत्तेजक दें जो आप उस व्यवहार के साथ संबंधित करना चाहते हैं तो वह उस कार्य को सीख जाता है। तो यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया इनकी समीपता जो है वह उत्तरदायी होती है सीखने के लिए। ऐसा कौन कहते हैं? गुथरी कहते हैं। गुथरी ने पुनर्वलन के महत्व को जो है स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ इन्होंने थॉर्नडाइक और स्किनर इन दोनों के ही जो विचार हैं उनको इन्होंने नकारा। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि उद्दीपक जो है वह दिखाया जाए उसके बाद जो है वो क्रिया की जाए, देखकर नहीं बल्कि यदि ये दोनों चीजें इनकी जो समीपता है वह अधिगम का कारण बनती है। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत की जो है शिक्षा में क्या उपयोगिता है। एकल प्रयास में ही उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य जो है उचित साहचर्य स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो हमें विद्यार्थी को उसी रूप में अधिगम कराना चाहिए, उसी रूप में सिखाना चाहिए जिस रूप में जो सीखा हुआ ज्ञान है वह उनकी वास्तविक जिंदगी में आगे काम आए, और वो जो व्यवहार है उसकी हमें बार बार प्रैक्टिस करानी चाहिए और बार बार उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हल्का पुनर्बलन सिद्धांत, जिसे प्रबलन सिद्धांत भी कहा जाता है, SOR थ्योरी भी कहा जाता है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो हल जो है वो दो चीजों पर बल देते हैं इस सिद्धांत में, एक तो पुनर्बलन और एक आवश्यकता की पूर्ति। तो हल जो है वह USA के निवासी हैं। इनकी दो बुक हैं, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर 1943 में लिखी गई, दूसरी है अ बिहेवियर सिस्टम जो कि 1952 में लिखी गई। यहाँ पर हल ने सर्वाधिक बल किस पर दिया है? पुनर्वलन और आवश्यकता पर। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि सीखने के लिए पुनर्वलन और आवश्यकता जो है वह होनी जरूरी है। प्राणी में जब कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उससे संबंधित चालक भी उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है वह जोर से प्यास लगी है तो वहां पानी जो है वह उसकी क्या है? आवश्यकता है, उस समय की नीड है, और जो चालक का काम कर रहा है वो है प्यास, जो कि उसको आगे फोर्स कर रहा है पानी को पीने के लिए। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में चालक के महत्व को हल ने बताया है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पुनर्बलन प्राप्त होने पर जैसे ही पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति होती है प्राणी की जो आवश्यकता है वह पूरी हो जाती है, साथ ही संबंधित चालक की भी संतुष्टि हो जाती है। अतः आवश्यकता की स्थिति में जो अभिप्रेरणा उत्पन्न होने पर प्राणी की क्रियाएं जो है वो कैसी हो जाती हैं? उद्देश्यपूर्ण हो जाती हैं कि मुझे जो है अब पानी चाहिए और किस तरीके से मैं पानी जो है वह पी सकता हूँ। ठीक है, तथा क्रिया करने से यदि उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है तो क्या करेगा? वो अब इस काम को बार बार दोहराएगा, क्योंकि ये काम करने से जो है उसकी क्या हुई है? उसकी नीड की पूर्ति हो गई है। ठीक है, जब उसकी आवश्यकता पूरी हो गई है तो उस कार्य को दोहराएगा और वह उस चीज को सीख जाएगा, और अगले टाइम जब भी उसको पानी की जो है प्यास लगेगी तो वह सीधा वही काम करेगा जो कि उसने पिछली बार किया। इस प्रकार उसे पुरस्कार स्वरूप पुनर्वलन की प्राप्ति होती है, तथा जिस प्रक्रिया को किए जाने पर पुनर्वलन प्राप्त होता है प्राणी उसी क्रिया को दोहराएगा। तो यहां स्किनर की वो बात याद करिए जहां पर बच्चे को यदि कोई कार्य करवाना है तो उसको एक चॉकलेट दे दो वो उस कार्य को कर देगा, दोबारा उसको चॉकलेट दे दो वो फिर दूसरा काम कर देगा। ठीक है, यदि उसको पुनर्वलन की प्राप्ति होती है तो बच्चा जो है स्वतः ही उस कार्य करने के लिए जो है आगे बढ़ेगा। तो हल ने क्या किया? हल ने जो है एक जो है यहाँ पर बॉक्स लिया और इसमें एक तरफ जो है वह चूहे को यहाँ पर रखा और दूसरी तरफ उसका मनपसंद भोजन रखा और बीच में जो है एक वायर जो है वह लगा दी। अब हल क्या करते है कि घंटी बजाते और घंटी के कुछ समय बाद जो है ये करंट जो है वह स्टार्ट हो जाता। ठीक है, अब चूहा जैसे ही यहाँ पर जाता तो उसको क्या लग जाता? करंट लग जाता। एक लंबे समय के बाद जो है चूहे ने ये सीख लिया जैसे ही घंटी बजती है ये करंट जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसने क्या किया चूहे ने कि घंटी बजने से पहले ही यहाँ जंप मारी और इस भोजन को प्राप्त कर लिया। तो हल ने थॉर्नडाइक का जो SR सिद्धांत है इसको मान्यता नहीं दी, बल्कि हल ने ऐसी अवधारणा सामने रखी जिसमें उद्दीपक अनुक्रिया के अतिरिक्त प्राणी विशेष के अंदर रुचि आवश्यकता पुनर्वलन प्रदान करने वाले होते हैं। तो इसीलिए हल का जो सिद्धांत है वो स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है, इसे जैविक अनुकूलन जो है सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है देखिए हल कहते हैं कि ये जो
सीखने के लिए क्या है, पुनर्वलन जो है वो आवश्यक है, ठीक है। और हल की मान्यता जो है वो जीव की जैविक संरचना पर आधारित है। तो यहाँ पर सीखने का जो आधार है वो क्या रखा गया है, आवश्यकता रखी गई है। अब देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया पानी का, ठीक है, तो पानी जो है जब उसकी आवश्यकता होती है तो क्या होता है, संतुलन सबसे पहले बिगड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जैविक आवश्यकता क्या है, जीव की भूख है प्यास है, ठीक है, या तो भूख है या प्यास है। तो उसके लिए यहाँ पर जो चालक या प्रणोद का जो काम कर रहा है वो क्या है कि इस भूख जो है ये कैसे मिटे और ये प्यास जो है वो कैसे बुझे। तो यहाँ तनाव की जो आंतरिक अवस्था ये कहलाती है, जिसमें इस चीज की समाप्ति के लिए, इस तनाव को समाप्ति के लिए प्राणी जो है वो चालक को संतुष्ट करने और कम करने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित होता है, और इसके लिए वो बहुत सारी क्रियाएं करता है, उद्देश्य निर्देशित व्यवहार करता है, और वो क्या है, उसका भोजन लेना और उसका पानी लेना। तो यहाँ पर जैसे ही उसे भोजन और पानी जो है वह मिल जाता है, भूख और प्यास से उसकी मुक्ति हो जाती है, आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, तो पुनः संतुलन वह स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है जिसमें शैक्षिक उपयोगिता क्या है, शिक्षा में इसका क्या रोल है, तो ये कहता है कि जो पाठ्य वस्तु है वो बालक की आवश्यकता से संबंधित होनी चाहिए, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। यदि पाठ्य वस्तु उसके अकॉर्डिंग होगी तो वह उसको कार्य करने के लिए जो है वह आगे प्रेरित होगा। अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु के उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। हल ने सीखने की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की मनोदशा, आवश्यकताओं, रुचियों, लक्ष्यों आदि को जो है महत्वपूर्ण माना है। तो हल किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि सीखने का जो आधार है वह क्या है, आवश्यकता है। आवश्यकता जो है व्यक्ति की, उसके अकॉर्डिंग यदि उसको कोई चीज मिलती है तो उसके लिए वह कार्य करता है, ठीक है। उसको उस वजह से, आवश्यकता की पूर्ति होने की वजह से पुनर्वलन की प्राप्ति होती है और आगे वह उस चीज को बार बार दोहराता है। तो यहाँ पर हल की जो थ्योरी है वह आपकी कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो सिद्धांत है, चिन्ह अधिगम या अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, साइन लर्निंग या लेटेंट लर्निंग थ्योरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।